कोरोना से जूझ रही मुंबई में बुधवार को रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद गुरुवार को भी हल्की बारिश जारी है। बुधवार की बारिश का असर ऐसा था कि शहर अब भी पानी पानी है। कई इलाकों में पानी इस कदर भर गया कि गाड़ियां उसमें खिलौनों की तरह तैरती नजर आईं। बारिश और हाई टाइड का अलर्ट आज भी है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि घर पर ही रहें, बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में रहने वाले कई लोगों के घरों में पानी घुस आया। किचन से लेके बेडरूम तक तेज रफ्तार में बारिश का पानी घुसाया। और ये तस्वीरें मुंबई के नायर अस्पताल की हैं, जहां बारिश के कारण पानी भर गया। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते मुंबई के अलग अलग इलाकों में पेड़ भी गिर गए। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं की वजह से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT पर 110 करोड़ की कीमत की 3 विशालकाय क्रेन गिर गईं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। शहर में बड़ी संख्या में पेड़ और इलेक्ट्रिक पोल भी टूटकर गिरे हैं। BMC के पास ऐसी करीब 150 शिकायतें आई हैं। एक एक करके पेड़ों को हटाया जा रहा है। चक्रवाती हवाओं की वजह से मरीन ड्राइव पर तो एक पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर गया। बारिश को देखते हुए मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में NDRF की कुल 16 टीमें तैनात की गई हैं। 5 टीमें मुंबई में, 4 टीमें कोल्हापुर में, 2 टीमें सांगली, 1-1 टीम सतारा, ठाणे, पालघर, नागपुर और रायगढ़ में तैनात की गई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के चलते 9 राज्य के हाईवे जबकि 34 सड़कें पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को कोलाबा में सबसे ज्यादा 331.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सांता क्रूज इलाके में पिछले 24 घंटों में 162.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इसके चलते 46 साल का रिकॉर्ड टूट गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।